ठीक है ना. तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ दीन की बात आती है या एथीज़म की बात आती है, लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे देखते होंगे, अभी हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि जो एथीज़म के फिगर हेड्स हैं डोकिन, सैम हैरिस, ये लोग ऑनलाइन बड़े पॉपुलर हैं, ठीक है ना. तो लोग उनको बैठ के देखते होंगे, ठीक है ना. यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे भाई बहन जाते हैं वहाँ पे एक सोशल कल्चर भी होता है, वहाँ से यूट्यूब वो देखते होंगे, ये लोग इन लोगों को देखते होंगे और सोचते होंगे कि यार ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये वेस्ट से हैं, अगर ये इस तरफ जा रहे हैं तो हमें भी ऐसे करना चाहिए. और इन्होंने एक तरीके से साइंस को भी इल्हाद के साथ जो है वो ज़बरदस्ती जोड़ के रख दिया, बयान कर दिया. और साइंस देखिए भाई, साइंस के शायद हम एक और शो कर सकते हैं इसके ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल. साइंस को जो साइंस को उन्होंने इमेज क्रिएट किया हुआ है ना, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना. और जैसे आपने कहा है कि एथियस ऐसी नैरेटिव पेंट करते हैं कि देखें साइंस और हम साथ साथ हैं. सही. और जो मुसलमान है, जो इस्लाम है, साइंस और उसका कोई ताल्लुक है ही नहीं. ताल्लुक ही नहीं है. लेकिन अब जब हम थोड़ा सा भी स्टडी करते हैं, इस्लाम को देखते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, हम देखते हैं यार अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में हमें कहता है कि देखो, सोचो, रिफ्लेक्ट करो. एग्जैक्टली. इस पूरी कायनात में निशानियां हैं, ऑब्जर्वेशंस करें, जिसको हम साइंस आज कहते हैं. क्या है? ऑब्जर्वेशंस है. लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू और उसके ऊपर रीजनिंग करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, उसके बाद थ्योरीज प्रोड्यूस करते हैं. ठीक. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, इसके साथ एक चीज़ मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ. मैं ये सोचता हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स जो है उसको हम कहते हैं कि आइज़क न्यूटन ने उसको, यानी उसके बानियों में से वो शामिल है. और आइज़क न्यूटन एक मजहबी इंसान था, ठीक है, मुसलमान नहीं था, लेकिन खुदा पर यकीन रखने वाला इंसान था. फिर एक मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है. तो वो जो भी था लेकिन एथीस्ट कम से कम नहीं था, यानी वो एक पर्सनल गॉड पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन खुदा पर, एक बड़ी हस्ती पर जिसने इस कायनात को बनाया है, जो उसे चला रहा है, उसके ऊपर वो यकीन रखता था. और फिर उसके बाद जो अब क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, उसको भी जो मैक्स प्लैंक, जो सबसे बड़ा साइंसदान इसका समझा जाता है, वो भी खुदा पर यकीन रखने वालों में से एक मजहबी इंसान है. तो मेरी समझ नहीं आता कि ये हाइप किस तरीके से क्रिएट कर दिया गया कि रिचर्ड डॉकिन या सैम हैरिस जैसे लोग बैठकर चंद एक वो ये कहने लगे हैं कि जी साइंस और इल्हाद शायद एक ही चीज़ है. जैसे आपने कहा है, जो साइंस को पहले डिवेलप करने वाले थे, भले ही वेस्ट में हों या ईस्ट में हों, वो ये बहुत क्लियर तरीके से उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था कि इस कायनात को कोई चलाने वाला है, जिसने इस कायनात को ऑर्डर में रखा हुआ है. क्योंकि साइंस का एक ये भी एक एक्सियम है, उसका एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, अगर आप सोचो वैसे देखना चाहते तो, कि इस कायनात में ऑर्डर है. ठीक है ना. इस देर इज़ एन ऑर्डर बिहाइंड द यूनिवर्स. उसमें यूनिफॉर्मिटी है, मतलब है कि जो इस कायनात के लॉज हैं, जो लॉज ऑफ फिजिक्स हम कहते हैं, दूसरे लॉज हैं, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी, वो चेंज नहीं होते, वो अब्रप्ट नहीं है. ठीक है, उनमें ऑर्डर है. और इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे रैशनल कंक्लूजन है वो है कि इस कायनात का खालिक है. ठीक है ना, जिसने ऑर्डर दिया है उसको मेंटेन किया हुआ है. ठीक है ना. उर्दू में कहते हैं ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है. दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है. अब इससे बेहतर मैं तो कभी कह नहीं सकता. तो माशाल्लाह, तो ये वो ये जानते थे, उनके लिए बस ये बहुत नेचुरल इंट्यूटिव बात थी कि देर इज ए पावर, देर समथिंग, दे कुछ है जो इस यूनिवर्स को, जिसने इस यूनिवर्स को ये ऑर्डर दिया हुआ है, उसको मेंटेन किया हुआ है उसका. और उसके ऊपर ये भी जानते थे कि जो इंसानी अकल है, जो ये ताकत हमें हमारे पास है कि हम सच को समझ सकें. सही. ठीक है ना, कि सच को कॉम्प्रीहेंड कर सके, उसे टैकल कर सके. ये जो सलाहियत है, ये ऐसी ही नहीं वजूद में आ गई हुई. ठीक है ना. इसी का जो दूसरा शेर था कि कोई तो है जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है. तो वही बात आप कह रहे हैं. मेरी बातों को आपने चार चांद लगा दिया शो पे. नहीं तो इमरान माशा, दीन की बात फैलाना सदका जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जजाकल्ला.